नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। दोस्तों, आज हम जिनसे जुड़ने जा रहे हैं, उनकी उम्र तो बहुत छोटी है लेकिन उनका हुनर बहुत बड़ा। यह है भोपाल और मध्य भारत की शान, सुपरस्टार सिंगर 2 में टॉप 11 में आने वाले, मध्य प्रदेश और भोपाल का नाम रोशन करने वाले प्रत्यूष आनंद। प्रत्यूष, एमपी लाइव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच मुझे एमपी लाइव न्यूज में बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सुपरस्टार सिंगर 2 में और बहुत सारे लोग आपको टेलीविजन पर देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। जब से आपकी जोड़ी बनी है रोहन के साथ, तो अब इंटरटेनमेंट की वजह से लोग आपका वेट करते हैं, तो कैसा लग रहा है बेटा अभी आपको वहाँ? इधर बहुत अच्छा लग रहा है, इधर जो मुझे सिखा रहे हैं कैप्टन्स, इधर बहुत अच्छा लग रहा है उनसे सीख के। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, म्यूजिक के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ इधर आके। पहले बेटा आप आए थे तारे जमीन पर और उसमें भी आपने बहुत अच्छा किया था, टॉप 7 तक पहुंचे थे, उसमें भी शंकर महादेवन जैसे जज थे। अब आप सुपर स्टार सिंगर 2 में हैं, जहां पे अलका याग्निक है, हिमेश रेशमिया है, जावेद अली है, तो क्या फर्क है बेटा दोनों शोज में? वहां पे क्या सीखा और अब यहाँ से क्या सीख रहे हो? वहां पे भी बहुत कुछ सीखा था, इधर भी बहुत कुछ सीखा है। दोनों शोज बहुत अच्छे थे, उधर से भी बहुत कुछ सीखा, इधर भी बहुत कुछ। म्यूजिक का पूरा पूरा इधर माहौल है, सुबह उठो तो म्यूजिक सुनाई देता है, शाम को करो तो म्यूजिक सुनाई देता है, म्यूजिक एकदम अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है इधर आके। अभी वहां पे आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती किससे हुई है? अभी तो रोहन ही सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि इतने सारे उसके साथ डुएट कर लिया है, उसके साथ करो डुएट तो अलग ही एनर्जी आती है उसके साथ करने में। वो इतना एंटरटेनमेंट करता है, गाने में भी एंटरटेनमेंट है, सब कुछ में एंटरटेनमेंट है, तो उससे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा है उसके साथ भी गा के। और जो आपकी कैप्टन है साइली, उनके साथ कैसा लगता है? उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने जो जो सीखा है कि टिप्स सीखे हैं, क्या क्या करना चाहिए स्टेज पे, क्या क्या अपना जो डर है वो कैसे कम करें, क्योंकि इतने बड़े शो में और इतने बड़े स्टेज में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में डर लगता है, लेकिन उसके बाद खुल जाते हैं पूरा, क्योंकि सायरी दीदी हमें इतने अच्छे से बताती है सब कुछ चीजें कि कैसे परफॉर्म करना है और गाते गाते कैसे एक्टिंग करना है, कैसे एक्सप्रेशन करना है, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत अच्छे से सिखाती है वो हमें, बहुत अच्छे से सिखाती आपके अलावा जो दूसरे कैप्टन है, दानिश है, अरुणिमा कांजीलाल है, पवनदीप सिंह है, पवनदीप राजन, ये तीनों कैप्टन के साथ क्या इक्वेशन है? वो लोग भी आपको बीच बीच में सिखाते हैं या सिर्फ आपको आप ही के कैप्टन सिखाते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी टीम है तो सिर्फ साइली दीदी सिखाते हैं, मैं पवनदीप भैया से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, अरुणिता दीदी से भी बहुत कुछ सीखता हूँ और दानिश भैया से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, सब कैप्टन हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं साइली दीदी की टीम में हूँ तो सिर्फ साइली दीदी बताती है, बाकी कैप्टन ने जो जो सीखा है, अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग चीजें हम सीखते हैं उनसे सबसे। और पवनदीप भैया तो बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छे, सब हम्बल है, बहुत अच्छे इंसान है, और उनसे मुझे इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखने का मौका मिलता है, जैसे कि वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा के गाते हैं तो उनसे इंस्ट्रूमेंट्स भी मैं सीख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है इधर रह के। और हमारे म्यूजिक मेंटर्स भी सिखाते हैं इधर, नीरज कालकर सर और जयदीप सर और मंगल सर, सब लोग हमें सिखाते हैं। और जो तीन जज हैं उसमें, हिमेश रेशमिया, अलका याग्निक और जावेद, इनमें कौन आपके फेवरेट है, कौन आपके ज्यादा करीबी? हालांकि तीनों ही आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सभी जज का आपको आशीर्वाद मिलता है, बट होता है किसी से ज्यादा ट्यूनिंग? तीनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा जो मुझे बताते हैं वो जावेद सर हैं, क्योंकि अच्छा। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो मुझे अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए तुम्हें, और बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे से हमसे बात करते हैं। और जो कैप्टन है वो हमारे लिए अलग अलग खाने की चीजें भी लाते हैं, जैसे कि जब भी आते हैं वो हमारे लिए कभी पिज्जा लाते हैं, कभी बर्गर लाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इधर रह के। कभी आपने जावेद के सामने उनका अभी लेटेस्ट जो हिट है तेरी नजर शर्फी, वो गाया कभी जावेद जी के नहीं, सामने? मैंने तो अभी नहीं, अभी मैंने वो नहीं गाया है, अब आगे दिखता हूँ मिलता है मौका कि नहीं। और जो आप उसमें जो शो में दिखाते हैं कि आप जो नई नई डिशेस बनाते हैं, तो एक्चुअल में आप बनाते हैं या
नहीं, एक्चुअल में बनाता हूँ वो। वो क्या है अच्छा कि मैं मतलब मैं बहुत शौकीन हूँ खाने का और बनाने का। खाने का तो हुई, बनाने का उससे ज्यादा हूँ। क्योंकि मतलब मैं बचपन मतलब जब मैं छोटा था, जब पहले था, तब बहुत अलग अलग चीजें बनाता था मैं। मतलब अलग अलग चीजें बनाता हूँ, यूनिक यूनिक डिशेस बनाता हूँ। मिर्ची का हलवा, बैंगन का हलवा, अलग अलग चीजें, एक या ये दोनों का करेले की मिश्रण। आइसक्रीम, ये सब तो करेले की आइसक्रीम और ये सब तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, ये आप वाकई बनाते हो ये सब? जी, ये सब मैं वाकई बनाता हूँ। मतलब मैं ये सब, मैंने अब रामदेव बाबा आए थे, जब रामदेव जी आए थे, उनको खिलाया था, उन्होंने पूरा खा भी गए थे वो। मतलब करेला आइसक्रीम बनाया था, दोनों को मिश्रण करके एक बहुत अच्छी डिश बनी थी। अच्छा। और जब आप भोपाल में थे तो कैसे आपका, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू आपका सुपरस्टार सिंगर में सिलेक्शन हुआ और आपने सोचा था आप टॉप 11 तक आ गए, अभी आप यहाँ तक पहुंचेंगे? मेरे को मतलब जैसे मैं मेहनत कर रहा था, तो मेरे को पता था, मतलब मैं अच्छे से पूरा अपने ईमानदारी से मेहनत कर रहा था, तो मतलब पता तो नहीं था कि इतने आगे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैंने मैंने ये सब नहीं सोचा कि कितने आगे तक पहुंचेंगे, सिर्फ अपनी मेहनत की। और मैं मतलब मेहनत पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ कि आप मेहनत करते रहिए, फल भगवान देंगे आपको। फल की चिंता मत करिए, मेहनत करते रहिए सिर्फ अपने पे। और जब मैं भोपाल में था, तो मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए, हमारे बहुत सारे ऑडिशन हुए थे, लगभग 11 या 12, हाँ 13 ऑडिशन हुए थे टोटल, तब हम लोग टीवी राउंड पे आए थे। क्योंकि इतने बच्चे थे, इतने बच्चे थे, मतलब जैसे कि बीच बीच में ऑडिशन दिए हमने, बीच में ऑनलाइन ऑडिशन भी हुआ था मेरा, 2-3 ऑनलाइन ऑडिशन हुए थे, उसमें से 50-50 बच्चे छटके गए थे और उसमें से टॉप 15 आए थे। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को इधर आके और सिलेक्ट होके। दो बच्चे बेटा ऐसे हैं इस पूरे शो में, एक आप एक आर्य नंदा, जो पहले भी रियलिटी शोज में धूम मचा चुके हैं, आगे तक जा चुके हैं, तो आप जी दोनों ऑलरेडी पहले से ही पॉपुलर हो, आप बहुत छोटे से गाना गा रहे हो, उसके बावजूद भी आपको नॉर्मल प्रोसेस से गुजरना पड़ा ऑडिशन की, या चैनल की चॉइस थी कि आपको पहले देख चुके थे कहीं और? नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब बहुत लोगों ने ऑडिशन दिए हैं, मैंने और आर्यन नन्नी, फैज है, बहुत लोगों ने ऑडिशन दिए थे। मतलब और ऐसा सबके लिए एक ही था कि 15 के 15 ऑडिशन देने, ऐसा कुछ नहीं कि आधे में आना है। सबने पूरा ऑडिशन दिया और सब लोग आया इधर तक। अभी भोपाल की क्या चीज आप मिस करते हो वहां पे? बॉम्बे में हो भोपाल, अभी आप? भोपाल का खाना, मतलब भोपाल का भोपाल खाना? का खाना, हाँ, मतलब उधर का खाना बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। मतलब इधर उतना अच्छा नहीं है जितना भोपाल का खाना है। और ये जो यहाँ पे हरियाली है, पूरा शहर खाली खाली सा होता है, इतना ट्रैफिक नहीं होता, वो सब भी मिस करते हो? सुकून वो ज्यादा बहुत इस मिस शहर कर में? रहा हूँ, जो शांति होती है, जो मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे भोपाल में एकदम हरियाली हरियाली, गार्डन्स, प्लांट्स, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मुंबई में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक रहता है, थोड़ा ज्यादा साउंड रहता है, तो शांति में ज्यादा पसंद करता हूँ रहना। जब आप मुंबई, जब से आप मुंबई में हो और इतने सारे गेस्ट आए हैं आपके शोज में, टीवी स्टार्स आए हैं, फिल्म स्टार्स आए हैं, बाबा रामदेव भी आए हैं, इन सब में आपके फेवरेट कोई थे जो जिनको देख के आपको लगा होगा कि आपका सपना जैसे पूरा हो गया? ऐसे बहुत सारे लोग थे, उदित नारायण जी आए थे, अनुराधा पौडवाल जी आई थी, और आनंद जी, कल्याण जी, सबसे ज्यादा मेरे को लगा उनके सामने परफॉर्म करने, क्योंकि उन्होंने लता जी के साथ काम किया है, किशोर दा के साथ काम किया है, तो उनके सामने गाना मेरे लिए सपने की बहुत मतलब सपना जैसा था, क्योंकि उनके सामने गाना, और उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट भी किया, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मतलब मिलके। और उन्होंने मतलब उन्होंने किशोर दा, लता जी सबके साथ काम किया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उनके साथ मतलब गा के उनके सामने। अभी 2 दिन पहले अनुराधा पौडवाल जी भोपाल में थी और मैंने उनका इंटरव्यू किया था। हालांकि जी बेटा आप छोटे हो, लेकिन मैं उनकी एक राय बताता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप उस पे क्या सोचते हैं। जी तो उनका ये कहना था कि जो रियलिटी शोज हैं, उन्होंने मेरी इंटरव्यू में वो बात बोली कि जो रियलिटी शोज हैं वो सिंगिंग पे जज होने चाहिए, ना कि इसलिए कि कोई कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है। आप बहुत छोटे हो बेटा अभी इस बात के लिए, अभी आप 13-14 साल की हुए हो, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हो कि सिंगिंग पे ही जज होने चाहिए, या किसी का बैकग्राउंड यदि कमजोर है तो उस पे भी थोड़ा सा लोगों को लिबरल रहना चाहिए? नहीं, मैं मानता हूँ कि सिंगिंग पे भी जज होना चाहिए, क्योंकि सिंगिंग तो मेन ही है, और जो स्टोरी रहती है पीछे उसके, मतलब उस पे तो होता ही है, क्योंकि वो मतलब वो सही की सही में होता है। मतलब क्योंकि क्योंकि सिंगिंग पे भी जज होता है, सिंगिंग पे भी जज होना चाहिए, दोनों पे जज होना चाहिए। इस शो में आप
हम तो ये प्रे कर रहे हैं कि आप ही जीते, आपके अलावा आप किसको एक अच्छा कॉम्पिटिशन मानते हैं? मेरा कंपटीशन तो अपने से है, लेकिन मतलब मैं अपने से ही कंपटीशन रखता हूँ, क्योंकि सब बहुत अच्छा गा रहा है, मतलब सब बहुत ही बढ़िया गा रहा है। मतलब आप बताइए सर कि अभी इतना हमारा शो इतना आगे तक आ गया, तब भी सिर्फ चार बच्चे सिर्फ एलिमिनेट हुए हैं, सिर्फ चार बच्चे, और अभी एक या दो हफ्ते में फिनाले हो जाएगा। अब इतना अच्छा लोग गा रहे हैं कि एलिमिनेट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा गा रहे हैं सब लोग। करेक्ट, आप सभी लोग, समझ में नहीं आता बेटा कौन कितना अच्छा गा रहा है। मतलब हम लोग जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितना टफ होगा जजेस के लिए, जनता के लिए वोट करना। जो बच्चा गाता है वही बहुत अच्छा गाता है। अभी सवाल को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। आपका कॉम्पिटिशन आपसे स्वयं से है और हम सब आपके लिए प्रे कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे मैं रहता हूँ तो यहाँ का मैं बता सकता हूँ, और बहुत लोग आपको वोट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब हम ये भूल जाते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन किससे है। आपके अलावा मान लीजिए यदि आप किसी और को देखना चाहें कि मैं इसके साथ ट्रॉफी शेयर कर सकता हूँ, प्रतिष्ठा तो जीती रहे, तो सेकंड कौन होंगे वो जिसके साथ आप शेयर करना? मणि। मणि, गुड, बहुत बहुत ही बढ़िया गाता है, मतलब उसकी क्या बात करूं, मतलब इतना बढ़िया गाता है और इतना अच्छा है वो, मतलब बहुत अच्छा इंसान है वो, और मतलब मैंने मतलब उसके साथ क्या क्या बजाता है वो, हर इंस्ट्रूमेंट बजाता है, हारमोनियम ढोलक हर चीज बजाता है, और जो ताने लेता है और जो वो करता है वो सब मुझे उसके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है उससे मैंने भी। हाँ बेटा आप कंप्लीट कर ले पहले, फिर मैं पूछता हूँ, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैं मणि को देखना चाहूंगा। आप मणि के साथ ट्रॉफी शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी। चलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वैसे ही हो। और अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा हूँ, आपके मुझे पता लगा कि आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हैं, आप शिव बाबा को मानते हैं जी, तो ब्रह्मा कुमारी से किस एज से जुड़े, कब आपने कोई आश्रम विजिट किया, शिव बाबा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कौन है शिव बाबा, आप किस रूप में उन्हें देखते हैं? मैं जब 6 या 7 साल का था तब से मैंने ब्रह्मा कुमारी जाना शुरू किया, मतलब पापा जुड़े सबसे पहले, तो उसके बाद मैं जुड़ा, मतलब पापा मेरे को साथ में लेके जाते थे, और उधर बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उधर जाके, मतलब जो उधर की पॉजिटिव वाइब्स हैं, उधर बैठ के मेडिटेशन करने का अलग ही मजा आता है, मतलब। और मैं शिव बाबा को ऐसे देखता हूँ कि वो मतलब सर्वशक्तिमान है वो, मतलब उनसे जैसा शक्तिमान कोई नहीं है, उनके जैसा पवित्र कोई नहीं है, और उनके जैसा मतलब कोई नहीं है, और वो उनकी जो वो लाइट होती है वो हम पे पड़ती है और हम पवित्र होते हैं, और हम मतलब 16 कला संपूर्ण होते हैं, हम जैसे कृष्ण भगवान थे 16 कला संपूर्ण, हम उनके उनसे 16 कला संपूर्ण होते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के, और बाबा से, बाबा को याद करता हूँ मैं हमेशा, सुबह उठता हूँ सबसे पहले बेड पे रहता हूँ तो बाबा को याद करता हूँ, तब अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, तो पूरी एनर्जी से भर जाता हूँ, उसके बाद जो म्यूजिक करता हूँ बहुत अच्छा लगता है उसके बाद करने में म्यूजिक। मुझे ये पता लगा बेटा आपने एक बार भजन भी गाया था कुछ ब्रह्मा कुमारी में, गुनगुनाएंगे अभी? जरूर 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 सर। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, आती है आंधियां तो पर उनका घर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका घर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत
आखिर तुम्हारी एक दिन होगा विशाल तवल, जो बीज वो पड़ा है ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। आपका तो हुनर बहुत बड़ा है, खुदा तो बड़ा है ही। अब हम अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं हमारे इंटरव्यू के, लास्ट स्टेज में। अब बस मेरे को आप ये बताइए कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है अभी करेंट में? जी, मेरे फेवरेट सिंगर सारे पुराने, लता जी, किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब, और अभी में देखा जाए तो अरिजीत सिंह सर, और बस हाँ अरिजीत सिंह सर, और 90s के जो हैं बहुत सारे सिंगर्स हैं मेरे, उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, लेकिन जो मेरे मेन फेवरेट है वो लता जी, किशोर दा और मोहम्मद रफी साहब। ये आपके मेन, आपको ये तीन सिंगर्स ज्यादा पसंद है? बहुत पसंद है। अच्छा 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 प्रत्युष, ये बताइए कि जब भी हमने आपको देखा है गाना गाते हुए डुएट में, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एकदम आंखों में आंख डाल के बहुत क्लोज आके आप सिंगिंग करते हैं और बहुत अच्छा लगता है वो स्क्रीन पर देखकर, ये चीज बेटा कहाँ से आती है? ये आप सीखते हैं, आपने कुछ ऐसे डुएट देखे या आप अंदर से ही आपको ऐसा लगता है कि इस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे जाना है? सर मैं अंदर से ना परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं गाऊं भी, एक्टिंग भी करूँ, नाचू भी, सब कुछ करूँ, ताकि मेरा जो परफॉर्मेंस रहे वो मतलब बहुत अच्छा हो। मतलब हम जो ये जो परफॉर्मेंस है उसको हम गाना नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं एक्ट, एक्ट मतलब ये एक्ट है, ये एक्ट है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक्ट भी करना रहता है, उसमें गाना भी रहता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस देता हूँ, मतलब अंदर से वो चीज आती है, मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं करता, अंदर से वो चीज आती है, मैं नाचता हूँ और ये सब करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और रोहन के साथ तो मेन, रोहन के साथ रहता हूँ तो हम दोनों नाचते हैं, गाते हैं साथ में और मस्ती करते हैं साथ में, ढुमके मारते हैं ऐसे मतलब गानों में, तो बहुत अच्छा लगता है। एक चीज मैं बड़े आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि आपके और रोहन के परफॉर्मेंस का वेट दुनिया करती है इस वक्त जी। इतना ज्यादा पसंद आता है, प्यार हमें किस मूड पर ले आया, मैं जिस तरीके की आपकी जुगल बिंदी थी, पग घुंगरू बांध मीरा नाचे रे, वो मेहनत दिखती है बेटा स्क्रीन पर जी। और बहुत जबरदस्त आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो बहुत सारी चीजों में। आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? आपको एक अच्छा शेफ बनना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट? सर मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। आप एक सिंगर बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सिंगर बनना चाहता हूँ, क्योंकि जो म्यूजिक इंडस्ट्री है सर, अभी मेरे को उसको इधर लेकर जाना है एकदम, मतलब मैं ऐसा गाऊं कि मतलब मैं हर चीज, हर तरह के गाना गाने चाहता हूँ, क्योंकि आजकल का जो म्यूजिक है वो अच्छा तो है, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है आजकल का म्यूजिक, थोड़ा थोड़ा मैं उसको एकदम इतना अच्छे लेवल पे लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि मतलब क्लासिकल भी मैं गा पाऊँ, हर तरह के गाने गा पाऊँ, और अगर मेरे को क्लासिकल का कुछ चाहिए मूवी में, अगर क्लासिकल चाहिए तो क्लासिकल गाऊँ, बॉलीवुड चाहिए तो बॉलीवुड, तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और मेरे को, मैं अपना कंपटीशन जो है, आपने बोला ना मैं किसको कंपटीशन मानता हूँ, मैं अपना कंपटीशन लता जी को मानता हूँ, क्योंकि उनको मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह ही गाऊँ, मतलब उनकी तरह उनको कंपटीशन मानूंगा ना तो सर मैं उनकी तरह ही, उनसे उनकी तरह तो नहीं गा सकता, लेकिन उनसे थोड़ा सा नीचे अगर आ जाऊं ना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। साक्षात माँ सरस्वती से कंपटीशन कर रहे हैं, साक्षात माँ सरस्वती से ही कंपटीशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उनके जितना करीब पहुंचेंगे वो बहुत बड़ी आपकी कामयाबी होगी जी। और प्रत्युष, अभी ये एक चीज बताइए कि आप अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाते हैं? सर इधर हम लोग सब चीज कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी कर रहे हैं, साथ में सब कुछ कर रहे हैं, हम म्यूजिक भी करते हैं और सुबह सुबह हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, हम लोग का अलग अलग से पूरा टाइम टेबल है, सुबह मतलब दो घंटा पढ़ाई करते हैं और बाकी दिन पूरा म्यूजिक करते हैं, और शाम को भी पढ़ लेते हैं हम लोग आधा एक घंटा, क्योंकि इधर सबने मतलब हमारे सर लोग सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ाई भी करो और म्यूजिक भी करो, तो हम लोग दो तीन घंटे पढ़ लेते हैं अपने हिसाब से, इधर बुक्स लाए हम लोग तो सब कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, मैनेज पढ़ाई भी कर रहे हैं म्यूजिक भी कर रहे हैं।
यहाँ भोपाल में ही बेटा एक जगह है लाल घाटी, आपने सुना होगा, आप तो यहीं से हो। वहां पे एक म्यूजिक क्लास चलती है, एक दानिश करके हैं वो म्यूजिक क्लास चलाते हैं, और उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट बच्चों को बजाना सिखाया जाता है। मैं 2 दिन पहले वहां गया था, और क्योंकि उन लोगों को पता था कि मैं सिंगर्स के और इन सब लोगों के इंटरव्यूज करता हूँ, तो वहां पे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर प्रत्यूष कब आएंगे, आपने उनका इंटरव्यू किया क्या, वो आएंगे तो आप लेकर आइए, आपकी एज के बच्चे 10 साल 12 साल, तो आपको ये आइडिया है कि अभी आप कितने बड़े स्टार हो चुके हैं बाहर। सर मतलब स्टार तो नहीं हूं मैं अभी, क्योंकि अभी तो मतलब बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ सर, अभी बहुत कुछ मेरे को बहुत मेहनत करना है, और मुझे ना बहुत बड़ा सिंगर बनना है। अब मैं एकदम मतलब इतनी मेहनत करनी है अपने पे, अभी भी बहुत कुछ काम बचा है मेरे गाने में, बहुत कुछ अभी करना है, तो चाहता हूँ कि मैं और मेहनत करूँ और आगे बढ़ूँ। लेकिन क्या आपको अनुमान है कि आप इस वक्त कितने पॉपुलर हैं बाहर, मतलब वहां पे आपको ये आइडिया लग पाता है उस जगह पर जहां पर आप हैं कि आप कितने पॉपुलर हो चुके हैं? जी जरूर। तो उन बच्चों का रिक्वेस्ट था कि जब भी प्रत्यूष आए तो उनको लेकर आए, और सर पूछिएगा उनसे कि उनको भी सिंगर बनना है, उनको भी एक अच्छा म्यूजिक इंडस्ट्री में कहीं नाम कमाना है, तो आप प्रत्यूष से पूछिएगा हम क्या करें ऐसा। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए आपकी एज ग्रुप के बच्चों को? सिर्फ रियाज करना चाहिए सर, मतलब मैं ही देखता हूँ सर कि मैं जब मैंने 2 साल 3 साल पहले मैं रियाज पे इतना बिलीव रखता था, और इधर तक मैं तारे जमीन पर में भी रियाज की बदौलत आया था, और इधर भी रियाज की बदौलत। मैं सिर्फ अपना रियाज को गोल मानता हूँ कि आप जितना रियाज करो, और मतलब रियाज गा के भी होता है और मेंटली भी होता है, और आप मेंटली भी रियाज करो, जैसे कि रात में आप हो तो तानपुरा लगाओ और मतलब मन ही मन सा का रियाज करो, तो आपके सुर पक्के होंगे और सुर बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं यही मानता हूँ कि रियाज करते रहो और आगे बढ़ते रहो, मेहनत। बहुत अच्छे प्रत्यूष, अब जाते जाते मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आप ये शो जीते हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जाते जाते आपकी फेवरेट 2 लाइन गुनगुना दीजिए। मैं वो वाला गाना चाहूंगा जैसे किशोरदा जब लाइव परफॉर्म करते थे, उधर गाते थे ओ प्यारे बंधुओं, वो वाला मैं गाऊंगा। जब भी किशोरदा स्टेज पे जाते थे ना तो ये गाते थे, तो मैं वो गाऊंगा। बिल्कुल। ओ प्यारे संगीत मेरे नाना नानियों मेरे दादा दादियों मेरे काका काकियों मेरे मामा मामियों मेरे भाइयों बहनों मेरे नाना नानियों, आप सबको किशोर कुमार खंडवे वाले का सप्रेम नमस्कार। बहुत अच्छे प्रत्यूष, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ प्रत्यूष आनंद, भोपाल से हैं, मध्य भारत की शान है, ये सुपरस्टार सिंगर 2 में धमाल कर रहे हैं, टॉप 11 में आ चुके हैं, आशा है बहुत जल्द ये मध्य प्रदेश आएंगे सुपरस्टार सिंगर 2 की ट्रॉफी जीत के, आप इनको भर भर के वोट करिए, मेरी पर्सनल अपील है। थैंक यू सो मच, आप देख रहे हैं एमपी लाइव।